वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रोको टोको अभियान के तहत राहगीरों के कोविड सैंपल रोजाना लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को सुबह से पन्ना नाके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा राहगीरों के सैंपल लिए गए, जिसमें बसों की सवारियां, टैक्सी वाले, मोटरसाइकिल के लोगों के सैंपल लिए गए हैं। यह अभियान रोजाना चलाया जाता है। डॉक्टर अखिलेश प्रजापति ने बताया कि रोको टोको अभियान के तहत राहगीरों के सैंपल लिए गए हैं। 50 सैंपल रैपिड एंटीजन किट से और 50 सैंपल आरटीपीसीआर के माध्यम से लिए जाते हैं। सर, प्रशासन के आदेशानुसार रोको टोको अभियान के तहत हम लोग जो राहगीर चलते हैं या उनको रोक के पकड़ के सैंपलिंग करते हैं, उसमें दो प्रकार की सैंपलिंग होती है। एक रैपिड एंटीजन किट के तहत जो कि तुरंत उसकी रिपोर्ट आ जाती है, और एक आरटीपीसीआर के तहत जो कि बीएमसी सागर भेजी जाती है, जो दो दिन बाद रिपोर्ट आती है उसकी। जी, लगभग 50 आरटीपीसीआर सैंपल लिए जाते हैं और 50 रैपिड एंटीजन किट के तहत सैंपल लिए जाते हैं। जी, आज सर अभी तक 50 आरटीपीसीआर सैंपल हो गए हैं और अभी एंटीजन का काम चल रहा है। कंटिन्यू चालू है? जी, अभी कंटिन्यू चालू है सर।